Sugauli Treaty identifies that Kali River was the western frontier of Nepal. The source of Kali River is Limpia Dhura. So everything on east side of Kali River and its source, Limpia Dhura, belongs to Nepal. Both India and Nepal agrees this. However, over many years, India cleverly manipulated the map and started to call another waterway in east of the original Kali River as Kali, which is not the Kali River but a small brook way ahead of actual Kali River. That is why many territories situated in the west of the real Kali River now has been claimed by India to create some illusion. प्रॉब्लम आती है नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर पे. अगर आप इस महाकाली नदी के अकॉर्डिंग चलते रहते हो तो मैं आपको मैप खोलकर दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको. ये उत्तराखंड है और ये नेपाल है. एप्पल मैप्स में बाउंड्रीज को इस रेड लाइन से डिफाइन किया गया है. अगर मैं जूम इन करता हूं तो आप देखेंगे ये रेड लाइन नदी के अकॉर्डिंग चलने लग रही है. इससे देख सकते हो आप कि कैसे पूरा का पूरा इंडिया नेपाल का बॉर्डर इस नदी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया. अब मैं ऊपर जा रहा हूं इस नदी में तो आप देखेंगे ये नदी चले जा रही है. लेकिन प्रॉब्लम आती है यहां पर ये नदी दो में बट जाती है. एक्चुअली दो में बटना सही नहीं होगा, ये एक्चुअली मैं अपस्ट्रीम जाने लग रहा हूं तो दो सोर्सेस से ये नदी आने लग रही है. कौन से सोर्स को यहां पर चूज किया जाए बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, अगर आप जूम इन करके देखेंगे यहां पर तो इनमें से एक सोर्स क्लियरली प्रॉपर नदी जैसा दिख रहा है और दूसरे वाला पतली सी नदी दिख रहा है. तो सेंस, कॉमन सेंस तो यही कहता है कि मोटे वाले को यहां पर यूज कर लो बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, क्योंकि वो वाली प्रॉपर नदी है यहां पर. तो शुरुआत में दोस्तों ब्रिटिशर्स ने भी यही किया, ये जो मोटे वाला पार्ट है नदी का, जो वेस्ट वाला पार्ट है उससे बॉर्डर डिफाइन किया. तो ब्रिटिशर्स ने जो मैप्स बनाए अपने उसमें इस वेस्ट वाली नदी को ही यूज किया गया बॉर्डर डिफाइन करने के लिए और नेपाल को ये एक्स्ट्रा रीजन मिल गया. ये जो मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया मैप है 1827 का, और इस मैप में ब्रिटिशर्स ने वेस्ट वाली नदी को चूज किया बॉर्डर डिफाइन करने के लिए. यानी जो ये जो एक्स्ट्रा ट्रायंगुलर पार्ट है जिसके बारे में आज कंट्रोवर्सी चल रही है, ये नेपाल किंगडम के पास गया. 1960s में जब इंडिया चाइना के बीच में तनाव बढ़ने लग रहा था, इंडिया चाइना की वॉर भी हुई थी, तब इंडियन आर्मी ने इस एरिया में मिलिट्री पोस्ट खड़ी करी. परमिशन ली थी मोनार्की से उस वक्त, इंडिया के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने परमिशन दे दी और तब से लेके आज तक दोस्तों इस एरिया में इंडियन आर्मी की प्रेजेंस है, इंडिया की मिलिट्री पोस्ट लगी हुई है. ऑल अदर मिलिट्री ट्रूप्स वर रिटर्न टू इंडिया, रिमेनिंग वन इन लिपुलेख. Kalapani and Lipulekh areas belong to Nepal, but it seems that India obviously doesn't know how to show the gratitude towards his neighbor by respecting their sovereignty. 1860s के बाद से यही unofficial boundary use करी गई है. I'd like to clear that our Prime Minister KP Oli has not made any new map. Actually, our map has been republished, which was modified in 2032 BS because of some traitors bought by India, Indian government, not by Indian people. नेपाल के जो मोनार्क्स थे, नेपाल में डेमोक्रेसी काफी लेट आई थी, 1990 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना था, उससे पहले मोनार्की थी इनके वहां पर. तो जो नेपाल के मोनार्क्स थे उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस अनऑफिशियल बॉर्डर से. लेट मी रिमाइंड द इंडियन गवर्नमेंट, बहादुर सिंह एटवाल इन 1960, मदन भंडारी इन 1990, Prem Singh Dhami in 1993 and many others had made against the Indian encroachment of Limpia Dhura, Lipulekh or national issue. Proof of tax paid to Nepal government by people of Limpia Dhura region in 1938. Read this. And number 6, the voter list of national election that was held in Nepal in 1959. And number 7, national census of 1961. Please do some research on these facts before you enter to your studio next time. If the Indians will be relieved from bloody propaganda of Indian media and if they will know the truth, they will also be in favor of justice and favor of Nepal. I would like to request you all to study the historical facts. Kalapani is our territory and it will be ours. Either you agree or disagree.